दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय एनएचपीसी। जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश धरवाल ने विधायक प्रकाश राणा पर आरोपों की बौछार कर दी है, जिसमें मुख्यतः प्रेम मेमोरियल ट्रस्ट रहा। धरवाल ने आरोप लगाया कि ये ट्रस्ट कोविड-19 के लिए पैसा किस हैसियत से ले रहा है और बहुत से महिला मंडलों व यूनियनों को कोविड-19 के फंड ट्रस्ट में देने के लिए फोन किए जा रहे हैं। कोविड-19 का फंड तो सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या SDM के माध्यम से ही दिया जा सकता है, तो विधायक किस तरह से ये फंड अपने ट्रस्ट में ले रहे हैं, जिसके लिए जोगिंदरनगर कांग्रेस ने उनसे श्वेत पत्र की मांग कर डाली है। नमस्कार, आज जो कोविड-19 की जो समस्या आज पूरे दुनिया, हमारे देश और प्रदेश में बनी हुई है, उसको लेके हमारी जो कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो आज जो सरकार की एडवाइजरी है उसका पूरे पालन कर रहे हैं और उसके साथ जो जरूरतमंद लोगों का जो है मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जोगिंदरनगर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, मेमोरियल ट्रस्ट। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पिछले 3 वर्षों में जब उन्होंने ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट जब बनता है तो ट्रस्ट बनाने का जो उद्देश्य होता है कि एक ट्रस्ट जो चलाता है वो एक विश्वविद्यालय चला सकता है, एक बड़ा संस्थान चला सकता है, एक बड़ी कोई बड़ा इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है अपने क्षेत्र में चला सकता है। लेकिन हमारा सवाल विधायक से है कि आज 3 वर्ष हो गए, उन्होंने जब ट्रस्ट बनाया तो बहुत सारे लोगों ने उस ट्रस्ट में पैसा डाला। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, गैर सरकारी और नॉन गैर सरकारी लोग जिसमें एम्प्लॉइज हैं, और बहुत ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने सोच के उसमें पैसा डाला कि ये ट्रस्ट जो है प्रेम और ये ट्रस्ट कोई यहाँ पे बड़ा चीज, बड़ी प्रोजेक्ट यहाँ खुलने वाला। वो भी जो भी उसमें कौन उसमें मेंबर है, वो सारा पिछले 3 वर्षों से वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी वो बात, लेकिन आज तक जो है विधायक ने इस चीज़ को जो है लोगों के सामने नहीं रखा। आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं जिन लोगों को उसने सपने दिखाए थे। आज हमारा टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, हमारे उद्योग बंद हैं, बहुत सारे लोग जो इन जगहों में जॉब करते थे आज बेरोजगार हुए हैं लॉकडाउन की वजह से और अपने घर में हैं। और हमारी डिमांड रहेगी कि विधायक महोदय, पिछले 40 दिनों में आपने कौन सी बेरोजगारी की बात इन लोगों के लिए की, कौन से इनके जो आज भुखमरी है लोगों के पास, जो है खाने को जो जरूरतमंद दिहाड़ीदार लोग हैं जिनके पास जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, आज उनके सामने बहुत समस्या आ रही है। तो आप बात करें, लोगों के बीच में आए और आपने जो लोगों को सपने दिखाए थे कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं यहाँ पे बड़े उद्योग लगाऊंगा, तो आज उन मुद्दों पे बात करें क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आज फिर वैसे ही इस ट्रस्ट के नाम पे पैसा इकट्ठा हो रहा है और हमारा सीधा आरोप विधायक पे है क्योंकि 3 वर्षों में इस ट्रस्ट की वो हमारे को बताए कि उसकी क्या ऑडिट रिपोर्ट है, कौन इसके मेंबर हैं, कितना इसमें पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कौन जो है इसको जो है फाइनेंशियल पावर किसके पास है। हमारा आरोप है कि इस ट्रस्ट का यूज जो है जो क्षेत्र के विधायक है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे कि मैं जो हूँ, मेरे पास इतना इनकम है, मैं हिमाचल प्रदेश के जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरा सबसे ज़्यादा जो है मेरे पास पैसा है। और ये बात जो है मीडिया के सामने उन्होंने सोशल मीडिया में वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है बात, और लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा ट्रस्टी होगा, ये बहुत बड़ा पैसा आज क्षेत्र के हमारे विधायक हैं और हमारा उनके ऊपर आरोप है कि वो अपनी जो पावर है उसका पूरा गलत यूज कर रहे हैं और इस महामारी के दौर पे जो है लोगों से जो है इस ट्रस्ट में कोविड-19 के लिए जो है पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा सवाल है विधायक से कि जब उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उन चुनावों में उन्होंने कहा था कि जोगिंदरनगर में ना कोई बड़ा संस्थान है, ना कोई बड़ा विश्वविद्यालय है, ना कोई यहाँ पे 40 वर्षों में विकास हुआ, ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एरिया है, जैसे वो विधायक बने। और उन्होंने कहा कि
मेरा विधायक बनने का सपना मेरे पिताजी का सपना था और उनका मेरे पिताजी का सपना आज पूरा हो गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी के NHPC ने कोविड-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए NHPC एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा 30 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन। इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए NHPC के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है जो लगातार इस आपदा के खिलाफ NHPC की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। NHPC भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में NHPC उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। NHPC और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद।